ब्रह्मांड, बहुत संत महात्मा, बहुत से योगी लोग, बहुत से गुरु योगाचार्य आचार्य ब्रह्मांड के विषय में बोलते रहते हैं कि ब्रह्मांड क्या तत्व है, कैसे इसके साथ जुड़ा जा सकता है, कैसे इस मानव की वहां तक पहुंच हो सकती है, कितना हम उसे समझ सकते हैं, कहां तक हमारे विचार बुद्धि इसका प्रभाव हो सकता है। सब लोग अपने अपने तरीके से, कोई सूर्य नमस्कार के द्वारा, कोई सूर्य त्राटक के द्वारा, कोई आसमान की तरफ निगाहें करके, नजरें करके, ऐसे अनेकों अनेक पद्धतियां, जिसको जैसा, कुछ लोग वैज्ञानिक तरीके से, कुछ लोग योग के माध्यम से, कुछ लोग अपने हिसाब से, और कुछ लोग लोगों को अपने जोड़ने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जो ये तरीका है ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का, ये बहुत गहरा है। ये आपको जब अंदर में उतरोगे, जो ब्रह्मांड के अंदर है वही पिंड के अंदर है, यानी शरीर के अंदर है। जो पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर है। जब आप अंदर में उतरोगे, इस आत्मा को, इस शरीर को दो तत्वों में देखोगे कि आत्मा अलग तत्व है, शरीर अलग तत्व है, तो फिर हमें पहले ये समझना होगा कि आत्मा कैसे खोजी जाए, उसके नजदीक कैसे पहुंचा जाए। तो धीरे धीरे हमें जो विचार है, जो ये भरा हुआ मस्तिष्क है, जो हम पूरा दिन घूम घूम करके, दौड़ भाग करके, इकट्ठा करके भर लेते हैं विचारों के साथ, और बहुत सी ऐसी चीजें जो इन नजरों से देखी, दिमाग के अंदर चली गई, जो सपस से महसूस किया वो भी इकट्ठा कर लिया, पूरा दिन हम इस बुद्धि को स्टोर की तरह से इस्तेमाल करते हैं। और स्टोर इतना स्टोर हो जाता है, हर रोज का पूरा डाटा इतना इकट्ठा सेव कर लेते हैं हम मेमोरी के अंदर, वो खाली नहीं कर पाते। और हर रोज हम केवल सेव करते रहेंगे, केवल सेव करते रहेंगे, केवल इकट्ठा होता रहेगा अगर उसको डिलीट नहीं करेंगे। जिस प्रकार से आपके फोन की मेमोरी है, आपके कैमरे की मेमोरी है, आपके लैपटॉप की मेमोरी है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी है, कोई भी किसी भी प्रकार से संग्रह करने वाली चीजें, आप अपना रूम ही देख लीजिए, अगर उसके अंदर हम डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे तो क्या होगा, वहां इतना इकट्ठा हो जाएगा कि आने वाले समय में वो चीज इकट्ठे नहीं हो पाएंगी और उसके अंदर नहीं घुस पाएगा। जब उसके अंदर कुछ नहीं घुसेगा तो फिर उसका दरवाजा बंद हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी वस्तु प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार से हमारी बुद्धि जो है, जो हम इसका स्टोर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये उन विचारों के साथ जो हमने इकट्ठे किए हैं, जो हमने अनुभव इकट्ठे किए हैं, जो लोगों से सुना है, जो सीखा है, ये किसी भी प्रकार से आपकी
आपके शरीर ने जो महसूस किया है वो शिव दिमाग के अंदर हो गया। वो इतना गहराई तक चला गया, इतना अंदर तक चला गया कि उसको छोड़ नहीं पा रहा। तो जो ब्रह्मांड की शक्ति है, जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, ये प्रकृति से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, हमें इन अष्ट प्रकृति को समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप 2 मिनट सूर्य की ओर देखोगे और चार्ज हो जाओगे। उसके लिए भी हमें योग को सिद्ध करना पड़ेगा, योग को साधना पड़ेगा, त्राटक को साधना पड़ेगा। तो हमें इन अष्ट प्रकृति के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और एक एक तत्व के ऊपर पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर हम इतना भी नहीं कर पाते तो सीधा बुद्धि के ऊपर पहुंच जाते हैं। हमें बुद्धि से जो हम इकट्ठा करते हैं, हमें साथ साथ ये चीजें डिलीट करनी है, समाप्त करनी होगी। और जितना हम इन इकट्ठा किए हुए स्टोरेज को समाप्त करेंगे, डिलीट करेंगे, उतना ही अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, अपने आप को प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, अपने आप के अंदर जो विचार थे उनको हम समाप्त हुआ मानेंगे। मानेंगे कि आपको अनुभव हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएंगे। और फिर जितना हल्का ये सब कुछ आपको महसूस होगा, आपको अनुभव होगा हल्कापन इस शरीर के अंदर, जितना आप हल्कापन महसूस करोगे उतना ही आपका तालमेल, इस शरीर और आत्मा का जो तालमेल है वो और अच्छा हो जाएगा। और जब इनका तालमेल अच्छा होगा तो शरीर प्रकृति से जुड़ा हुआ है, आत्मा पुरुष, पूर्ण पुरुष परमात्मा से जुड़ी हुई है। और ये सब कुछ तालमेल जब बनेगा तो शरीर प्रकृति के साथ जो जुड़ा हुआ है ये आपके साथ चलने लगेगा, ये इस प्रकृति को समझने लगेगा। क्योंकि शरीर का काम है सेव करना, अगर विचार वो सेव नहीं होंगे तो प्रकृति सेव होगी। और प्रकृति और ब्रह्मांड के जब हम नजदीक पहुंचेंगे, जितने विचार समाप्त होंगे, जितना अहंकार सुनने ये शरीर होगा, जितना अहंकार सुनने ये मन होगा, जितना अहंकार सुनने सब कुछ होगा, फिर आप इतना हल्कापन महसूस करने के बाद आपकी चढ़ाई शुरू हो जाएगी। और चढ़ाई कहाँ से शुरू होगी, चढ़ाई क्या शुरू होगी, ये चढ़ाई क्या होती है, ये क्या बोल रहे हैं, ये चढ़ाई होती है परमात्मा की। जब हम परमात्मा की ओर चढ़ाई शुरू करने लगते हैं तो अनेकों ब्रह्मांड आपको नजर आने लगते हैं, अनेकों ब्रह्मांडों से आपको गुजर के जाना पड़ता है, अनेकों ब्रह्मांडों से आपको रूबरू होना पड़ता है, अनेकों ब्रह्मांडों की जो ऊर्जा है वो आपके पास पहुंचती है, अनेकों ब्रह्मांड के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार के देवता हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जाएं आपको महसूस होने लगती हैं। और उन ऊर्जाओं का जो इफेक्ट होता है वो केवल मन के ऊपर नहीं होता, केवल बुद्धि के ऊपर नहीं होता, केवल विचार शक्ति के ऊपर नहीं होता, उनका जो प्रभाव है वो अष्ट प्रकृति के ऊपर होता है, यानी पूरे शरीर के ऊपर इफेक्ट होता है, बुद्धि के ऊपर भी इफेक्ट होता है, मन के भी, विचारों के ऊपर भी, हृदय के ऊपर भी, शरीर के ऊपर भी, ताकत के ऊपर भी, रोगों के ऊपर भी। और जब आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, उसको ग्रहण करने लगते हैं, जितना आप उसको ग्रहण करने लगते हैं
उसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा होने लगता है। जिस प्रकार से आप फर्स्ट क्लास में हो गए, फिर सेकंड में हो गए, और ज़्यादा आपके अंदर ग्रहण करने की ताकत आ सकती है। तो जितना आप उसको ग्रहण करते हैं, जितना आप अपने को फैलाते हैं, जितना आप विचारों को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल का अर्थ ये नहीं कि दबा देना, कि ठूस ठूस करके भर देना, नहीं, समाप्त कर देना विचारों को, छोड़ देना विचारों को। जितना आप विचारों को छोड़ते हो, उतना ही आप ब्रह्मांड के नजदीक जाते जाते हो, और आपकी ब्रह्मांड के अंदर, प्रकृति के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने लगती है, डायरेक्ट एंट्री हो जाती है, डायरेक्ट प्रभाव होने लगता है, आपके ऊपर भी डायरेक्ट प्रभाव होने लगता है। और ब्रह्मांड जब जितने विचार समाप्त होंगे, आपकी स्थिति उतनी ही मजबूत होगी, फिर उसके ऊपर भी डायरेक्ट प्रभाव होने लगता है, प्रकृति के ऊपर, संसार के ऊपर। आप जितना ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, आप संसार को उतना ही प्रभावित कर पाएंगे, आप विचारों को उतना ही प्रभावित कर पाएंगे, आप जीवों के जीवन चक्र को उतना ही प्रभावित कर पाएंगे। हमारे सिद्धों ने इस ऊर्जा को ग्रहण करना सीख लिया, अपने आप को तैयार किया उस ऊर्जा को समाने के लिए, अपने आप को तैयार किया उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। जब वो तैयार हो गए, कहीं जाना नहीं पड़ता। ये नहीं कि आप जहाज में जाकर के आसमान में उड़ोगे तब ब्रह्मांड में पहुंचोगे, ये नहीं कि आप पृथ्वी को से ऊपर कोई और ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दोगे फिर आप ब्रह्मांड में पहुंचोगे, नहीं। ये जो मस्तिष्क है, ये ब्रह्मांड की तरह से, और ये ब्रह्मांड की तरह से जब आप इसका प्रयोग करोगे, इसको समझोगे, और इसको जितना खाली करोगे, उतना ही ऊर्जा, जिस प्रकार से पारस लोहे को किस प्रकार से स्वर्ण कर देता है, उसी प्रकार से जब वो ऊर्जा टकराती है, सब जगह फैली हुई है वो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन जब तक वो ऊर्जा ग्रहण करने का यंत्र आपके पास नहीं है, आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते। जिस प्रकार से पारस को कहीं भी रख दो, किसी भी धातु के पास रख दो, वो अपना कार्य नहीं कर सकता, लेकिन जो ही लोहे के ऊपर घिसाओगे वो अपना कार्य शुरू कर देगा। उसी प्रकार से जब आप उस ऊर्जा को ग्रहण करने के योग्य हो जाओगे, तो आपके ऊपर उस ऊर्जा का प्रभाव और प्रवाह शुरू हो जाएगा, और आप डायरेक्ट ब्रह्मांड के अंदर बहुत नजदीकता के साथ, इससे सरल उपाय कोई हो नहीं सकता, इससे कोई आसान तरीका जो ब्रह्मांड के अंदर आपको ले करके जाए और आपकी ऊर्जा को जगा दे, इससे श्रेष्ठ कोई तरीका, कोई पद्धति हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज की है और पहुंच करके देखा है, इससे आसान नहीं हो सकता।